गोरखपुर विश्वविद्यालय से लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं का मंडलायुक्त जयन नालिकर, आईजी जय नारायण सिंह, डीएम के विजयन पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित आला अधिकारियों ने जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में बनाने वाले स्ट्रांग रूम, पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल सहित वाहनों की पार्किंग स्थल, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस संबंध में मंडलायुक्त ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्थाओं से संतोष दिखे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयन नालिकर ने कहा, उधर सर पूरे गेट में बन जाएंगे, पीछे भी पैक रहा है, पीछे इधर हमारे काम को हमेशा रख दिया है, चौदह टेबल के कितने हैं इधर सर? सात सात से सर, लाइक सात इधर के कैसे डिवाइड किया सर? छः छः का छः टेबल्स, हाँ इधर भी है सर, बीच में है सर। और मैं आपके ना पानी का पियाव को ना लगा दें ऊपर 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 नहीं सर, पूरा पैक इसको यहाँ ठीक है। मैं बेस का भी सबको अपडेट कर ये पूरा यहाँ रहेगा सर, ये काउंटिंग कितने होगा सीसीटीवी रहेगा सर, यहाँ पर उसको यहाँ पर यहाँ लगा दीजिए, ऐसा भी लगा दीजिए कि ये दोनों मर्ज हो जाएगा सर, एक तरफ से ये वाले इस तरफ किनारे से सर एजेंट्स आएंगे, कहाँ रास्ता बताऊंगा उससे पता चला, हम आपको नहीं किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरेक्ट मुझे नहीं पता, उसको क्लियर नहीं किया तो एडिशन होता चला आज हम लोगों ने निर्वाचन की जो गोरखपुर जनपद की तैयारियां हैं उनको रिव्यू कर लिया है, आईजी साहब भी थे और अभी हमारी एक और मीटिंग है इसलिए हम लोग को निकलना है। संक्षेप में हम कहना चाहेंगे कि आप जो भी तैयारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने की है वो संतोषप्रद हैं और उसको आप देखेंगे, अभी जब से नामांकन शुरू होने से जो भी और भी कार्यक्रम होंगे वो सारे ठीक से किए जाएंगे और हमारा जोर है कि निष्पक्ष और निर्भीक रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और मतदाता निर्भीक होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो चुनाव आचार संहिता है उसका हम बहुत ही कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे और उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आपके माध्यम से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं इस जनपद में जिसमें पिछले चुनाव में वोटर टर्नआउट कम हुआ है,
तो आपके माध्यम से मतदाताओं को कहना चाहूँगा कि वो निर्भीक होकर आएँ। पुलिस और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का किसी को भी रोकना नहीं है। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य रूप से कोई आके अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो वो निर्भीक रूप से आ सकते हैं, उनको सारी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। इसलिए आपके माध्यम से ये मताधिकार की अपील मैं पुनः करना चाहूँगा। खजनी जी के लिए अलग से व्यवस्था है? खजनी जैसा कि आपको पता है सारी व्यवस्थाएं तो निर्देश सारे पोलिंग स्टेशन और सबके लिए समान होते हैं। इसका क्योंकि पहले है, इसका हमने तैयारियां कर ली हैं। DMSSP ने ऑलरेडी जो वनरेबल पोलिंग स्टेशन है उनकी विजिट भी कर ली है और खजनी का हमने स्ट्रांग रूम और ये भी विजिट करके देख लिया है। तो सारी व्यवस्थाएँ जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए की जाएगी इनकी पहले से हम सुनिश्चित कराएंगे।